दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, अब अमानतुल्लाह खान के घर पर पड़ा ईडी का छापा। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ ईडी का लगातार एक्शन जारी है। इसी क्रम में ईडी ने अमानतुल्लाह खान के यहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। ईडी ने ये रेड पिछले साल अमानतुल्लाह खान के ऊपर लगे वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले के आरोपों को आधार बनाकर डाली है। पिछले साल एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमानतुल्लाह खान से जुड़े 5 ठिकानों पर दिल्ली में रेड की थी। आपको बता दें कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। अगली बड़ी खबर, अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की छापेमारी पर भड़के संजय राउत, बोले 2024 तक होती रहेगी विपक्षी नेताओं पर रेड। दरअसल अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि 2024 के चुनाव होने तक विपक्ष के नेताओं पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 10 से 12 लोगों के नामों की लिस्ट ईडी के पास है। ईडी के पास अजीत पवार का केस था, एकनाथ शिंदे पर ईडी का केस था, कई नेता जेल जाने वाले थे, क्या ईडी उनके पास जा रही है? उन्होंने कहा कि ईडी इनके पास नहीं जाएगी क्योंकि अब ये बीजेपी में हैं। संजय राउत ने कहा कि विपक्ष के प्रमुख नेताओं पर 2024 तक छापेमारी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष में हैं उनके पास ईडी सीबीआई आईटी जाती रहेगी, ये सब 2024 तक चलता रहेगा, लेकिन बीजेपी नेताओं पर कोई भी रेड नहीं पड़ेगी। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी पर दिल्ली में मचा बवाल, बीजेपी बोली अब जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे केजरीवाल। दरअसल अमानतुल्लाह खान के कई ठिकानों पर चल रही ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी पर आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। सुशील गुप्ता का कहना है कि अमानतुल्लाह खान को इस मामले में अदालत से पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस मामले में कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो को भी फटकार लगाई थी और अब उसी मामले की जांच फिर से ईडी द्वारा कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी ईडी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी पर कहा कि यही है मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके नेताओं की अलग तरीके की राजनीति का प्रत्यक्ष प्रमाण। यदि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल असल जिंदगी में कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वो समय दूर नहीं जब कट्टर भ्रष्टाचारी केजरीवाल भी सलाखों के पीछे होंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला जबरदस्त हमला, बोले बीजेपी और आरएसएस की प्रयोगशाला में होता है घोटाला और चोरी। दरअसल मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान राहुल गांधी ने लाल कृष्ण आडवाणी का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था कि बीजेपी और आरएसएस की असली प्रयोगशाला गुजरात में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस की इस प्रयोगशाला में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है। महाकाल लोक में शिवजी के साथ में चोरी की जाती है, बच्चों के मिड डे मील में चोरी की जाती है, व्यापम घोटाला होता है, एमबीबीएस की सीटें बेची जाती हैं, पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है, हर रोज 3 किसान खुदकुशी करते हैं, किसानों को गोली मारी जाती है, भोपाल में एक लड़की का रेप होता है और उसे बचाने की कोशिश में भाई की पुलिस के सामने ही हत्या कर दी जाती है। बीजेपी का एक नेता आदिवासी के ऊपर पेशाब करता है। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी और बनवासी में क्या फर्क है, हम आपको आदिवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब हिंदुस्तान के वासी, जो देश में पहले आए थे, जो इस जमीन के असली मालिक हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की जमीन जल जंगल पर आदिवासियों का सबसे पहला हक बनता है। बीजेपी आपको बनवासी कहती है, जिसका मतलब है कि आपका इस जमीन पर हक नहीं, आप तो जंगल में रहते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा क्या आदिवासियों को क्या अधिकार देना चाहिए, ओबीसी और एसटी वर्ग को क्या हिस्सा देना चाहिए, देश के सामने ये सवाल है और इसीलिए हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और हम इसे कराकर रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस खोखले वादे नहीं करती है, हम पेशा कानून लाए, वन अधिकार कानून लेकर आए, हमने कानून बनाया था अगर किसी उद्योगपति को आदिवासी की जमीन चाहिए तो उसे ग्राम सभा के सामने हाथ जोड़कर जमीन मांगनी होगी, लेकिन बीजेपी ने इस पेशा कानून को रद्द कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने आपको डरा धमका कर हिंसा के बल पर आपसे आपकी जमीन छीन ली, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो आपका हक है हम उसे आपको जरूर लौटाएंगे।
अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी बोला जबरदस्त हमला। बोले पिछड़ी जातियों का विकास नहीं चाहते मोदी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसी क्रम में चुनाव प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंचे राहुल गांधी ने जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसको उतनी ही भागीदारी मिलनी चाहिए। पीएम मोदी आदिवासियों की बात करते हैं लेकिन वो उनका दिल से सम्मान नहीं करते। अगर वो ऐसा करते तो जातीय जनगणना जरूर करवाते। राहुल गांधी ने कहा कि अगर भारत सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5 रुपए का निर्णय लेते हैं और आदिवासी अफसर 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी वर्ग का इससे बड़ा अपमान नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने शहडोल की चुनावी रैली के दौरान जातीय सर्वे कराने का भी वादा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम मोदी जी पर इतना दबाव डाल देंगे कि उनको जातीय जनगणना करानी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले इससे बच नहीं सकते। जातीय सर्वे समाज के एक्सरे की तरह है, इससे पता चलेगा कि कौन कितना पिछड़ा है और कितनी मुसीबत में है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की कार्य समिति ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है क्योंकि यह हिंदुस्तान के भविष्य के लिए जरूरी है। जातिगत जनगणना के बाद विकास का एक नया रास्ता खुलेगा। कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। याद रखिए, हम वादा करते हैं तो उसे तोड़ते नहीं है। देश में जातिगत जनगणना होगी और हिंदुस्तान के गरीबों को उनकी हिस्सेदारी भी मिलेगी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते हैं कि पिछड़ी जातियों का विकास हो, इसीलिए वो जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते, लेकिन ये काम कांग्रेस पार्टी करके ही दिखाएगी। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक निर्णय नहीं है बल्कि ये न्याय का निर्णय है। अगली बड़ी खबर, अमानतुल्ला खान पर ईडी की छापेमारी पर भड़क गई आम आदमी पार्टी। कहा जो बीजेपी में चला जाएगा वो इनाम पाएगा और जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके खिलाफ ईडी नाम का मेहमान आएगा। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के ठिकानों पर आज ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इसके अलावा शराब नीति मामले में पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अब जवानी जंग जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को निशाने पर ले लिया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र एजेंसियां गैर बीजेपी शासित राज्यों में सक्रिय हैं। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसके घर पर ईडी नाम का मेहमान आएगा। बदला लेने की भावना से ईडी कार्रवाई कर रही है। राघव चड्ढा ने कहा कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से एजेंसी ज्यादा सक्रिय होकर कार्रवाई कर रही है। कभी तमिलनाडु में डीएमके तो कभी पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है तो कभी कांग्रेस नेताओं पर रेड हो रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नेताओं से तो ईडी को ज्यादा ही प्यार है। इंडिया गठबंधन के डर से ये एक्शन हो रहा है। राघव चड्ढा ने दावा किया है कि 2004 से 2014 के बीच में ईडी ने सिर्फ 112 जगह पर रेड की थी, लेकिन बीते 9 सालों में इसी ईडी ने 3100 जगहों पर रेड की है। जितने भी मुकदमे सीबीआई और ईडी ने पिछले कुछ सालों में नेताओं के खिलाफ किए हैं उनमें से 95% के साथ विपक्ष के खिलाफ है। कोई भी बीजेपी के खिलाफ आवाज ना उठाए इसीलिए कार्रवाई हो रही है। सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि अगर इन केसों से किसी नेता को मुक्ति पानी है तो वो बीजेपी या फिर एनडीए ज्वाइन कर सकता है। जो बीजेपी में चला जाएगा वो इनाम पाएगा और जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके खिलाफ ईडी नाम का मेहमान आएगा। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की बड़ी मुश्किलें। अब 13 अक्टूबर तक बढ़ाई गई ईडी की रिमांड। दरअसल दिल्ली शराब नीति के मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ईडी रिमांड कोर्ट ने मंगलवार को 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी। संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया था। रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने मंगलवार को उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया जहां पर अदालत ने उनकी ईडी हिरासत बढ़ा दी। आपको बता दें कि अब संजय सिंह 13 अक्टूबर तक ईडी के रिमांड पर रहेंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का कर दिया वादा तो बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला। कहा सत्ता में रहते हुए क्यों नहीं करवाई। दरअसल बिहार में हुए जातीय सर्वे के बाद से जातीय जनगणना पर नए सिरे से अब तेजी से बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने भी जितनी आबादी उसको उतना हक का नारा दिया है। वहीं बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रही है। इस बीच सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में संकल्प लिया गया कि सरकार बनने पर जातीय जनगणना करवाई जाएगी। इस
फैसले को कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐतिहासिक करार दिया है। राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश की रैली में भी वादा किया है कि हम मोदी पर इतना दबाव डाल देंगे कि उन्हें जातिगत जनगणना करानी ही पड़ेगी। उन्होंने वादा किया है कि जो काम बीजेपी नहीं कर पा रही उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा। इस पर अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि वो समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि क्या ये सच नहीं है कि उनके नेता राजीव गांधी ने मंडल कमीशन के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण का विरोध किया था। आज का राहुल का नाटक उसी राजनीतिक पाप पर पर्दा डालने की एक फुहड़ कोशिश है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जातिगत जनगणना की आड़ में आज कांग्रेस समाज को बांटने और राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही है। आजादी से लेकर यूपीए 2 तक के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई थी? जातिगत जनगणना का संवैधानिक अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी केवल भ्रामक बातें कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए कई कार्यकर्ता। दरअसल दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कई आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि मोदी की तोता मैना सीबीआई और ईडी ने संजय सिंह को बिना सबूत के गिरफ्तार किया है। मोदी सरकार सीबीआई और ईडी के दम पर सरकार चलाना चाहती है। कुलदीप कुमार ने कहा कि बीजेपी की बौखलाहट और 2024 में मोदी की घर वापसी के ये संकेत हैं। उन्होंने कहा कि गलत गिरफ्तारियां करो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और महिलाएं यदि प्रदर्शन करें तो उन्हें पीटा करो और लाठी चार्ज करो। तानाशाह मोदी राज का अब अंत आने वाला है। वहीं आम आदमी पार्टी नेता आदिल खान ने कहा कि मोदी की ओर से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को मोदी की पुलिस ने बुरे तरीके से पीटा है। महिलाओं को घसीट कर गिरफ्तार किया जा रहा है। यह तानाशाही की पराकाष्ठा है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ खोल दिया बड़ा मोर्चा। केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। दरअसल दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की है। न्यूज एजेंसी एनआईए की ओर से जारी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर बैनर और होर्डिंग्स लिए हैं। पार्टी के युवा कार्यकर्ता ताली बजाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी के कार्यकर्ता ये भी नारे लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल इस्तीफा दो। इससे पहले दिल्ली बीजेपी के नेता भी कई अफसरों पर दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। आपको बता दें कि आज बीजेपी ने एक बार फिर से दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री केजरीवाल से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जितने भी बेईमान हैं वो सब मोदी के साथ हैं। दरअसल राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि जितने भी बेईमान हैं वो सब केंद्र के साथ हैं। जितने भी लुटेरे हैं हजारों करोड़ लूटने वाले सरकार के साथ हैं। कोर्ट रूम के बाहर संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मेरे साथ बच्चों जैसा खेल खेल रहे हैं। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। जितने भी बेईमान हैं वो सब मोदी के साथ हैं और जितने भी ईमानदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि आज कोर्ट ने संजय सिंह की ईडी रिमांड 3 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।